आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, मैं गाइस ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि कल जिनका भी कल और परसों प्री एग्ज़ाम है SBI क्लर्क का, ठीक है, ये वीडियो स्पेशली होने के लिए है। ठीक है, जिनका हो गया है, अगर आप कमेंट करना चाहो कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा है, कितना अटैम्प्ट रहा है, किस स्टेट से, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपने अटैम्प्ट कितने किए हैं और आप किस स्टेट से अपने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, बाकी मैं बात करूँ अगर कल प्री के एग्ज़ाम के लिए, मेरा भी कल प्री एग्ज़ाम है, सेकेंड शिफ्ट को है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि जिनका भी कल प्री है, देखिए कल या परसों प्री है, देखिए आपने जितने भी तैयारी करनी थी आपने कर ली। ठीक है, ये नहीं है कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये कर लो वो कर लो, अभी मैथ्स ही कर लेना वो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। जितना करनी थी कर लो। देखो ये एग्ज़ाम कोई 2 मिनट की मैगी तो है नहीं कि आप 2 मिनट एक दिन पहले पढ़ोगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप वो खतरनाक ही हो, मतलब आप एकदम ही टॉपर ही हो कि मतलब आप कैसे भी तो आपका 90+ आने वाले हैं, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो मैं भी हूँ उनमें से एक। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि जो जितनी आपको तैयारी करनी थी आपने कर ली, जितनी आपको मॉक लगाना था, जितना आपको तैयारी करनी थी आपने वो कर ली। अभी मैं आपको यही बोलूँगा कि जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं पेपर को लेके कि आप घबराओगे नहीं वगैरह वगैरह, आप मॉक लगा सकते हो, रात तक आराम से मॉक लगाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप रात तक 6, 7, 8 बजे तक मॉक लगाओ, बट एक टाइम से सो जाना कि आपको नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो फोकस, नींद अगर नहीं पूरी होगी तो फोकस कहीं ना कहीं ख़राब होगी। ठीक है, तो उससे आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं आपका फोकस में आपको दिक्कत होगी, बस ये बोलूँगा। और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस नहीं है, जो डरते हैं कि मतलब यार कभी पेपर में ज़्यादा मार्क्स आते हैं कभी कम आ जाते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी कोई अगर जितने मॉक लगा लिए, ठीक है, अभी कोई मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधे जाके कल पेपर देना। ठीक है, और बस मैं यही बोलूँगा ना कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मॉक में 70 ला रहे थे तो वहाँ आप 100 ले आओगे। देखो एग्जैक्ट लेवल ना कोई मॉक नहीं बनाता कि एग्जैक्ट लेवल होगा, एग्जाम लेवल एग्जैक्ट होगा, सब आसपास ही रहते हैं। ठीक है, मतलब सब 19-20 का फर्क सब में रहता है। कोई कोई मॉक बहुत ही ईजी होगी, कोई कोई मॉक बहुत ही टफ होगा, वो हर लेवल को लेकर चलते हैं कि मॉक का क्या पता इंग्लिश टफ आ जाए, क्या पता क्वांट टफ आ जाए, रीजनिंग टफ आ जाए। ठीक है, तो हर चीज़ लेके चलते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखो और अपनी तैयारी पे भरोसा रखो और खुद पे भरोसा रखो कि आपने जो भी अब तक तैयारी करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। गाइस मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वो वेस्ट नहीं जाएगी। अपनी स्ट्रेटेजी अभी तक जो फॉलो किया है, कल एग्जाम में जाके आपको वैसे ही करना है। ठीक है, बिना किसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन को दिमाग में रख के ये मत बोलना कि मैं 90 इसमें रख करके आऊँगा, रीजनिंग में ये कर लूँगा, क्वांट में ये कर दूंगा, कुछ नहीं। जैसा आपने स्ट्रेटजी बनाई है आपने कि आप पहले ये क्वेश्चंस करोगे, पहले वो, बस वो जाके अटेम्प्ट करना, उसके अलावा आपको दिमाग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी के हिसाब से आपकी अटेम्प्ट वहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखो कितने सारे शिफ्ट हैं, ठीक है, एक दिन में 4-5 शिफ्ट होते हैं शायद, तो 4 दिन पेपर हो गया, कम से कम 20 शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो 20 शिफ्ट में हर शिफ्ट का पेपर एक जैसा नहीं हो सकता। किसी में ऐसा है कि टॉपर भी 90 क्रॉस नहीं करता, किसी में ऐसा है कि हर बच्चे 90 क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मलाइजेशन आपका रोल प्ले करेगा। और मैं एक बार बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन में ना मार्क्स भले ही बढ़ते हैं, 3-4 मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, मार्क्स बढ़ जाते हैं, 3-4 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन बढ़ते हैं, और जब डिडक्ट होते हैं ना तो वो आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपके नॉर्मलाइजेशन में 5 मार्क कट गए, 6 मार्क, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन मुश्किल से 1 मार्क कटेगा, तो मुश्किल से 1 मार्क कटता है, उससे ज़्यादा नहीं कटता नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी ना तो आपके मुश्किल से 0.5 2 पॉइंट 0.25 मुश्किल से 1 मार्क कटता है। ठीक है, आपके उतने ही मार्क्स आएंगे, बढ़ेंगे नहीं मार्क्स, ये बोल सकता हूँ अगर पेपर इजी होगा, बट कटेंगे भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि नॉर्मलाइजेशन का टेंशन मत लो, अपना पेपर अपने हिसाब से करो और नॉर्मलाइजेशन जो होना होगा ईजी पेपर होगा भी नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर आपका इजी पेपर होगा भी नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको टफ पेपर होगा तो आपको कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आपको एक सेक्शन में 3-3, 4-4 मार्क्स आपके शायद बढ़ सकते हैं। ठीक है, और हर पोर्शन आपका टफ होगा ये ज़रूरी नहीं है, कोई कोई पोर्शन कभी कभी 19-20 का फर्क आ जाता है। ठीक है, वो टॉपिक वाइज होता है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि जिनका भी पेपर है कल, वो बिल्कुल भी मॉक मत लगाना अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। ठीक है, बस अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो और जाना, और दिमाग में कोई एक
एक डिजिट डिसाइड करके मत जाना कि मेरे को 90+ करना है वगैरह वगैरह, पर ये करना कि मैं जो करूँगा या करूँगी सही करूँगा या करूँगी, ठीक है, एक्यूरेसी से करेंगे बस। मेरा भी फोकस यही है कि मैं जो करूँगा एक्यूरेसी से करूँगा, नहीं मुझे 90+ नहीं चाहिए भाई, मुझे प्री से 1 मार्क ऊपर भी चलेगा, बस प्री इतना करके आना है कि प्री का एग्जाम का रिजल्ट का टेंशन ना हो। प्री मतलब एग्जाम दे के आए, सेंटर से बाहर आए तो दिमाग में ये क्लियर हो कि हमें प्री में क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, बस इतना ही करना है। और जिनका भी परसों पेपर है 12 तारीख को, मैं आपसे यही बोलूंगा अगर कल कोई मेमोरी बेस आता है तो वो मेमोरी बेस जरूर लगा लेना, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, आप सभी बहुत अच्छे से मन से तैयारी कर रहे हो और मैं यही दुआ करूंगा कि आप सबका हो जाए, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, यही चाहूंगा कि आप सबका क्लियर हो, बाकी और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड या जो भी आपका डॉक्यूमेंट का एक फोटो स्टेट और ओरिजिनल और प्लस 2-3 फोटोज अपने पास एक्स्ट्रा रख लेना सेंटर में, ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पे ना मिले, ठीक है। एडमिट कार्ड और आपका फोटो स्टेट, आपका डॉक्यूमेंट का और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस आपके 2-3 फोटो जेब में रख के जाना, क्योंकि वो कभी कभी 2 मांग लेते हैं, कभी कभी 1 ही मांगते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट सबको, ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मुझे सब पे भरोसा है कि आपने अच्छे से तैयारी करी है, मन से तैयारी करी है, ठीक है। बाकी बस एक्यूरेसी में ध्यान देना और अपनी स्ट्रेटेजी को मत भूलना, बस मैं यही बोलूँगा, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।